नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। एक एनआरआई को न्याय दिलवाने के लिए युवा बोलेगा मंच ने आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन की अगुवाई मंच के अध्यक्ष जेपी शेखपुरा कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में मृतक एनआरआई और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वह न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज वह अपने साथियों के साथ करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। इससे पहले वह निर्मल कुटिया चौक पर मीडिया से रूबरू भी हुए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ठगी के इस मामले की पुख्ता जानकारी दी। उनका कहना है कि एक एनआरआई के साथ करनाल के दो अधिवक्ता, बैंक कर्मी सहित कुछ लोगों ने 5 करोड़ से अधिक की ठगी की है, जिसके पूरे प्रमाण उनके पास मौजूद है। उन्होंने मीडिया के समक्ष सारे प्रमाण भी रखे और बारीकी से जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि उनके अनुसार करनाल के एक एनआरआई के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी जांच चल रही है, लेकिन न्याय में देरी भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलवाते हैं, उन्होंने ही ठगी की है। इसीलिए इस ठगी कांड की जल्द से जल्द जांच व कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि लोगों का कानून व्यवस्था पर से विश्वास बना रहे। करनाल से संवाददाता तरुण मदान की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के निर्मल कुटिया चौक के पास, जहां पर हम करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा का ऑफिस भी है। यहां पर युवा बोलेगा मंच के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं। शायद किसी गंभीर मुद्दे को लेकर ये लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और ये किस लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। हमारे से सबसे पहले प्रधान हैं युवा बोलेगा मंच के प्रधान जेपी शेखपुरा। जेपी जी, आखिर क्या मामला और आप किस लिए एकत्रित हुए हैं? आज 2.5 साल से एक केस चला हुआ है। केस तो क्या, पुलिस इंक्वायरी चली हुई है। यहाँ पर सेक्टर 7 में 2183 एक कोठी है, जहाँ पर एक बुजुर्ग आकर के रहने लगा। सारी उम्र उसने इंग्लैंड में नौकरी की, इंजीनियर रहा। उसके एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के की डेथ हो गई, एक लड़की उसकी वहीं पर इंग्लैंड में है। और यहाँ पर जैसे रहने लगा तो पड़ोस में निलंबित वकील दंपत्ति, उनकी गलत निगाह उस पर टिक चुकी थी और वो आराम आराम से उसके घर आना जाना शुरू हुए। और हैनी ट्रप और जैसे भी धोखाधड़ी के तहत उसने उस बुजुर्ग आदमी को, जो निलंबित वकील है, इस कोर्ट से निलंबित कर दिया। उनका दोष सुन करके बार एसोसिएशन पंजाब हरियाणा कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। तो उन्होंने आराम आराम से उसके कागजों पे साइन कराए और एक फर्जी वासियत बना डाली। उसके बाद पता कैसे लगा, 18 अगस्त 2016 को जैसे ही एक गुरमीत सरदार जी हैं कलवेड़ी के एक सरपंच, उनको फोन आया इंग्लैंड से लड़की का कि मेरे पापा अकेले हैं, उनको राखी बंधवा दो। वो दो बहनों के साथ जैसे राखी बंधवाने के लिए उस कोठी पे गया, तो उस कोठी पे जैसे कटखट करी तो कोठी पे कोई भी नहीं था, ना आवाज आ रही थी। फोन मिलाए गए, लैंडलाइन नंबर मिलाया गया, तभी वो पास में निलंबित वकील संतोष यादव उसके घर गया तो उससे कहा कि ये गेट क्यों नहीं खुल रहा। वो चाबी लेकर के आई, वो हैरान भी हो गई, भाई अचानक कैसे आ गए। फिर अंदर जाकर के देखा तो वो गुरभजन सिंह राणा जो था, वो अवैध अवस्था में, नंगन अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ था। अगर उस दिन अचानक राखी बांधने के बहाने वहाँ नहीं आते, शाम तक उसकी डेथ हो गई थी। अचानक गड़बड़, पूरी खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद जैसे ही मतलब शाम के टाइम उसको हॉस्पिटल में करनाल लेकर के गए, करनाल इलाज नहीं हुआ, फिर दिल्ली लेकर के गए। दिल्ली जाने के बाद उसको पैसा चाहिए था उसके इलाज में, तुरंत वो एफडी लेने के लिए और अपने अकाउंट लेने के लिए हम भागे। उनकी एक चार्टर्ड अकाउंट थी मनीषा, ऊपर देखा कि वहां पर खाली था सब कुछ मकान में। उससे पहले उसी रात को या कुछ भी हो, बताते हैं जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके तहत निलंबित दंपत्ति वकील ने सारा सामान निकाल करके अपने घर में रख लिया था, जो आज तक रखा हुआ है। वो कहने लगे तो ये बुजुर्ग तो वैसियत मेरे नाम कर गया, पर उसकी लड़की को पता लग गया। 1-1.5 महीने बाद फिर वो अचानक, फिर वो लड़की वहाँ पर से आई और अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए अपने वहाँ इंग्लैंड ले गई। हाई कोर्ट में दावा किया कि इलाज में पैसा चाहिए। उसके खाते में 16 करोड़ के लगभग था, जबकि 8-9 करोड़ रुपया हाई कोर्ट के द्वारा उस वापिस उसके पास गया, जो असली उसकी वारिस थी। और वहाँ 1.5 साल तक वो जिंदा रहा और वहाँ
वहाँ की जो इंग्लैंड की कोर्ट थी, वहाँ की इंग्लैंड की कोर्ट में वसीयत, मतलब वहाँ हमारा देश का कानून इंग्लैंड से बन के आया है, सीपीसी के तहत वहाँ पर वसीयत के तहत वो बुजुर्ग कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी लड़की के नाम कराया है, मेरे मरने के बाद लड़की ही इसकी वारिस होगी, तो उसकी जो वसीयत थी उसके आधार पर यहाँ केस चल रहा है। पर ये केस एक ऐसा है, पैसों का केस एक ऐसा होता है, जहाँ भी जाँच चलती है वहाँ देर होती है और अन्याय नहीं मिलता, और जिससे आज युवा बोलेगा मंच के और हमारे गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज आईजी साहब भारती से अभी मिलने जा रहे हैं, उन्होंने समय दे रखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, हम मीडिया वालों को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो बात सुनिए, हमारी सुन करके, यही करनाल में मौजूद एक पवन कल्याणा वकील है, घर का बेदी लंका डाए, उससे भी कॉन्टैक्ट करो, दंपत्ति निलंबित वकीलों से भी कॉन्टैक्ट करो, एक इंडिया बैंक का मैनेजर है जो कलकत्ता में आजकल, जिसके बैंक में 5 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उनसे भी आप लोग फोन पे कांटेक्ट करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, और एसपी कैथल स्टैम जो जांच कर रहा है वो उसको जगाने के लिए कि जांच तुरंत होनी चाहिए, इंग्लैंड में बैठी हुई हमारे करनाल की उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इस न्याय के लिए जो कानून के रखवाले हैं, अगर वो कानून को ऐसे ही लेकर के चलेंगे, ऐसे ही दजिया उड़ाएंगे, तो कैसे हमारे देश का मतलब शासन चलेगा। सर आपका ये कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक एनआरआई के साथ धोखाधड़ी की है, और शुक्र का है कि वो 1.5 साल जिंदा रहा, 1.5 साल जिंदा रहा तो अपनी असलियत बता के चला गया। अगर वो यहाँ पर 18 अगस्त 2016 को अचानक राखी बांधने नहीं आते और यही डेथ हो जाती, तो ये जो ठगी करने वाले 5 आदमियों का गिरोह था वो लोग तो कामयाब हो गए थे अपने उसमें। पर अभी जो जांच यहाँ चल रही थी करनाल के इर्द गिर्द, जांच चली करनाल पुलिस के द्वारा भी, यहाँ से जांच उठवा करके उनके घरवालों ने, कैथल एसपी, ईमानदार एसपी और आईजी साहब, इनके तहत जांच चल रही है आपके माध्यम से। एक तो हम करनाल के बुजुर्गों को सुरक्षित रखना चाहते हैं आपके माध्यम से, एक जो जांच चल रही है उसका दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, इसमें जल्दी से जल्दी, चाहे किसी का भी हो, चाहे न्याय किसी को भी मिले, उस पार्टी को मिले, इस पार्टी को मिले, पर हमारे हाथों में जो कागज है, ये मनीषा है, आपको बता दूं ये उनकी चार्टर्ड अकाउंट जिसने एफिडेविट दे रखा है कि मेरे से गलती हो गई है या कैसे हो गई है, वो भी उनके साथ मिली हुई थी, ये वो कागज है जो बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन का कागज है, जिसने उनको 2 महीने पहले निलंबित कर दिया इन दोनों वकीलों को, और वो आज तक हाई कोर्ट में अपील डालने भी नहीं आए हैं। और हमारे पास ये अनीता बटेजा है, जिस जो वसीयत इन लोगों ने बनवाई थी यहाँ पर, उसमें इस अनीता बटेजा का नाम दे रखा, भाई इसने भी कोठी ली है, पर ये वापिस अपने सच्चाई के रास्ते पर आ गई है, इसने अपना एफिडेविट दे रखा है। और जिन लोगों के खाते में पैसे गए हैं, ये आप पैसे देखिए, ये आप पैसे देख लियो, आपके कागज देंगे, ये बैंकों में पैसा गया हुआ है 5 करोड़, इसमें से 2.5-3 करोड़ रुपया इलेक्ट खर्च कर चुके हैं, 2 करोड़ रुपये बचा हुआ है, हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है, तो ये चीज़ हमारे पास है। और ये थे हमारे साथ युवा बोले मंच के मीडिया बंधु को मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोबेटेड वसीयत है। प्रोबेटेड वसीयत का मतलब होता है प्रमाणित रूप से, मतलब कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, इंग्लैंड की सरकार के कोर्ट के जुडिशल सिस्टम के द्वारा प्रमाणित वसीयत है ये, और ये लेटेस्ट वसीयत है। वसीयत एक इंसान ने एक अपने लाइफ टाइम में 20 बना सकता है, जो 20वीं होगी वो मान्य होगी। इस वसीयत के माध्यम से जो एनआरआई थे जिनके साथ धोखाधड़ी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा वसीयत? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एकमात्र इकलौता वारिस, अपनी इकलौती लड़की रविंदर करास जी हैं, जो उनको घोषित किया इस प्रॉपर्टी के अनुसार, जबकि जो आरोपित व्यक्ति हैं, आरोपित दंपति वकील हैं, जो ये बताते हैं कि इनके पास भी एक वकील है, इन्होंने उनको वारिस बनाया हुआ उसमें, दंपति वकील को, जबकि मैं कहना चाहूँगा इनका कोई रिलेशन नहीं है इस वकील, जो मृतक है, जो हरभजन सिंह राणा जी जो एक्सपायर हुए हैं, उनका वकील दंपति से किसी भी प्रकार का कोई ब्लड रिलेशन, कोई फैमिली रिलेशन, किसी भी टाइप की टर्म में कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाता है। और जब इनको आभास हो गया है कि इनके खाते में इतनी बड़ी रकम गई हुई है, ये एडमिट करते हैं इस फैक्ट को, बींग फैक्ट ये एडमिट करते हैं वकील दंपति कि हमारे खाते में पेमेंट आई हुई है, बट अब ये कहते हैं कि ऑन विच बिहाफ यू आर सीकिंग दैट मनी रिटर्न,
ये कहते हैं उसकी लड़की को, जो उसकी लड़की एकमात्र वसीयत के अनुसार मालिक है, वैसे भी ब्लड रिलेशन में है उसके, एकमात्र इकलौती वारिस, ये उसको कहते हैं कि हम किस भी हाथ पे तुम्हें वापस दे, हम नहीं देते, हमारे खाते में आए हैं वैसे, हम वापस नहीं देंगे। ये एक क्लियर कट एक ठगी है, एक बुजुर्ग बुजुर्ग इंसान के साथ जो NRI है। सर ये हमारे साथ युवा बोला मंच के सदस्य इनके साथ सिख संगत की लाडली फौज भी हमारे साथ है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी तो यह कहना चाहेंगे कि जेड़ा ये हिंदुस्तान दे विच गुरु नानक साहब ने गल की है, नानक मित्र न रहो कोई, कोई किसी का मित्र नहीं, भी एडी धोखाधड़ी जो कर रहे हैं लोग, एडे सियाने वकील हो गए, ये काम नहीं करना चाहिए। भी जो भी उन्होंने धोखाधड़ी की चुपचाप उन्होंने वापस कर दो, अपने घर तो ही राजे दे, अपने घर राजे क्यों रौला पाते हो? साड़ी तो यही है गुजारिश उन्हें अगे भी क्यों सियाने बनो, ये काम ना करो। देखो सर इनका ये कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस तरह की धोखाधड़ी ना करें। कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी दंपत्ति है, बुजुर्ग दंपत्ति है, अगर उसका परिवार के साथ नहीं रहता तो उनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना करें। ये अभी भी ये भी इनका ये कहना है कि ये उस NRI के साथ खड़े हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय उस पार्टी का हो जाए दूसरी पार्टी की तरफ जाए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामले में? मैं ये कहना चाहूँगी कि युवा जो जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और हम सब युवा बोले के मंच के मेंबर उन्हीं के साथ हैं। धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से और युवा बोले का मंच जिस भी परिवार के साथ अन्याय होता है, युवा बोले का मंच उसके साथ हमेशा खड़ा है। रविंदर जो NRI बाहर विदेश में बहन है, उसके साथ जब तक अन्याय हुआ है और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, हम बहन के साथ खड़े हैं। और आज हम युवा बोले का मंच भारती अरोड़ा जी को, जो हमारे शहर के IG हैं, उनको विज्ञापन सौंपेंगे, और पूरा युवा बोले का मंच को पूरा विश्वास है कि इस दंपति को न्याय मिलेगा और हमारी आवाज़ भी जन जन तक जाएगी। हम जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, युवा बोलेगा मंच उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इनका ये कहना है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, जिसके साथ भी अन्याय की होगा या हो रहा होगा, युवा बोलेगा मंच उनके साथ खड़ा। इन महिलाओं का ये भी कहना है, देखिए हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी महिला के समर्थन में जुटी हैं जो महिला खुद विदेश में रह रही हैं, विदेश में रहने के बावजूद भी इनको अपने देश से इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, यह भी करनाल वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं एक बारी और पूछना चाहूँगा, JP जी आप एक बताइए आपकी आगामी रणनीति। आगामी रणनीति हमारी यही है कि हम जो NRI बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं वो सुरक्षित रहे, दूसरी बात हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं होता। आगामी रणनीति हम कैथल SP के पास भी जाएंगे, अभी हम भारती जी से भी, IG साहब से भी कर रहे हैं। यानी कि हम ये कहते हैं जो पैसों का खेल होता है ना, मोटाई पैसों का खेल है, अगर इसमें मीडिया ने दूध का दूध पानी का पानी नहीं कराया और जैसे भी कुछ कराया, तो इसमें फिर 3 साल से जाँच चल रही है, जिसके पास भी जाती है वही जांच को तोड़ मरोड़ कर देता है। अरे भैया इसमें नू तो बताओ कि वो रविंदर कारसा जिसका भाई मर गया, जिसकी भाभी मर गई, जिस जो एक ही लड़की है, जो इंग्लैंड की, इंग्लैंड का कानून ये कहता है कि सारी जमीन जायदाद सारा पैसा इस रविंद्र कारसा का है, और यहाँ पर 2-3 वकील हैं और दो आदमी मिल करके वो इस जो बुजुर्ग हरभजन सिंह राणा उसकी संपत्ति को अपनी बना रहे हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये कानून के रखवाले, मैं भी वकील हूँ, संतोष यादव जी या कुछ भी, वो जो हमारी बहन है, NGO बनाते हैं कुछ भी, कानून के रखवाले जब ऐसा काम करेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? आगामी रणनीति हमारी यही है कि हम इस आंदोलन में जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। हम लोग न्याय लेना चाहते हैं, इसका एंड करवाना चाहते हैं। इसकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी अभी भारतीय अरोड़ा जी से जाकर के हमारी मुख्य मांग ये है कि इसको अगर पुलिस चाहे ना 2 घंटे में इसको बेनकाब कर सकती है इस मामले को। मुख्य मांग ये है कि जो पैसा इस अकाउंट में आया हुआ है 5 करोड़ पूरा, जो बैंक का मैनेजर है जो कलकत्ता आ गया है उसको बुलाओ, जो उसकी चार्टर्ड अकाउंट मनीषा जिसने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है और उसने सॉरी भी मांगा, फिर उसको बुलाओ, और जो निलंबित जिनके खातों में पैसा है हाई कोर्ट के बावजूद भी सटे हो गया था, जिब भी निकलवा रहे हैं, उनको बुलाकर उनके पैसे वापस दिलाओ, और ऐसे ऐसे जिन आदमियों ने गलत काम कराया है उनको जेल में डालो।
देखिए ये थे जेपी शेखपुरा, जिन्होंने विस्तार से सारे मामले की जानकारी दी। इनका ये कहना है कि ये तब तक अड़े रहेंगे जब तक कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। एक बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाने के लिए जिनका करोड़ों रुपए की ठगी की गई है, ये उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आईजी भारतीय अरोड़ा को ज्ञापन देने के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि आगे भी लड़ाई लड़ेंगे जब तक लड़नी चाहे लड़ना पड़ेगा, लेकिन देर से न्याय मिलने न्याय संगत नहीं है, इसलिए न्याय को समय अनुसार ही मिलना चाहिए। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.